हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा फुलारा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आज मैं रेफरेंसेस टैब के अंदर आने वाला ऑप्शन जो कैप्शन है उसका यूज करना बताऊंगी। तो मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। पसंद आने पर प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैटर मैंने पहले से कुछ सेट कर रखा है, कुछ पिक्चर्स भी लगा रखी हैं, कुछ टेबल्स भी सेट कर रखी हैं और इनमें हम जो इंसर्ट कैप्शन का यूज करेंगे। इंसर्ट कैप्शन का यूज़ तब करते हैं जब हमने कुछ बुक्स बनाई हैं, कुछ ऐसा हम डिज़ाइन का काम कर रहे हैं जहाँ पे बीच में हमने पिक्चर्स भी लगाई हैं, कुछ टेबल्स भी लगाई हैं और उन पिक्चर्स के नीचे हम कैप्शन लगाना चाहते हैं या फिर हम जो टेबल है उसके नीचे कैप्शन डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हेडिंग्स भी मैंने पहले से बना रखी है। तो सबसे पहले हम पिक्चर्स में एक पिक्चर पहले क्लिक करेंगे और इस पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट कैप्शन करना है और यहाँ पर ऊपर कैप्शन के नीचे लिख के आ रहा है टेबल वन, तो टेबल हमें नहीं लेना है बल्कि इसका लेवल हमें चेंज करना है और फिगर पर क्लिक करना है। जैसे हमने फिगर पर क्लिक किया तो इसके बाद फिगर वन लिख के आ चुका है। ओके करते हैं तो यहाँ पर देख रहे होंगे पिक्चर के नीचे फिगर वन लिख के आ चुका है। अब हम नेक्स्ट पिक्चर के पिक्चर पे क्लिक करते हैं यानी सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फिगर टू लिख के आ रहा है, इसे ओके कर देना है। फिगर टू आ चुका है और अब हम थोड़ा सा टेबल के नीचे आते हैं, तो टेबल के नीचे हमें यहाँ पे कर्सर रखना पड़ेगा और इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करेंगे, लेबल में आएंगे। अब हमें यहाँ पर टेबल लेना होगा। टेबल लेने के बाद हम ओके करते हैं तो टेबल वन लिख के आ चुका है और फिर से हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं और पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और उसके बाद हम इंसर्ट कैप्शन में आएंगे और टेबल की जगह लेबल हम यहाँ पे फिर से फिगर ले लेंगे। ओके करेंगे तो फिगर नंबर थ्री आ चुका है और फिर से हम टेबल के नीचे कर्सर रखते हैं, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करते हैं और फिगर की जगह हमें लेबल लेना है टेबल। ओके करते हैं, टेबल टू आ गया है और फिर से हमने पिक्चर पे क्लिक करना है, इंसर्ट कैप्शन और लेबल को हमें चेंज करना है, फिगर पे क्लिक करना है। ओके करना है, फिगर नंबर फोर, एक पिक्चर हमारी और रह चुकी है, इंसर्ट कैप्शन और फिगर फाइव आ चुका है। ओके करते हैं, फिगर फाइव हो चुका है। तो हमारे टोटल इतनी ही पिक्चर हैं। तो फिलहाल तो हमने सब कुछ हमने सेट कर लिया है और अब हमने जो ये कैप्शन लगाए हैं इसका जो मेन पर्पज़ हमारा होता है, मेन उद्देश्य होता है कि हम इसका एक कंटेंट भी तैयार करें यानी कि एक टेबल भी हम इसकी तैयार कर लें। तो इसका यूज हम इसीलिए हमने किया है ताकि हम टेबल बनाएं तो डायरेक्ट हम उस फिगर तक, उस टेबल तक जा सकें। अब हमने कर्सर ऊपर रख लिया है, अब हम करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। इस पर हमें क्लिक करना है और टोटल हमारे जितने फिगर हैं उसकी टेबल हमारे यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ओके करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर हमारे टोटल पाँच फिगर हैं, पाँचों हमारे कंटेंट यहाँ पे तैयार हो चुके हैं यानी कि हमारी टेबल तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ से फिर से क्लिक करते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। अब हम थोड़ा टेबल का भी देख लेते हैं, तो यहाँ से हम लेवल चेंज कर देंगे तो लेवल हम यहाँ पे ले लेते हैं टेबल और ओके करते हैं। तो टोटल हमारे पास टू टेबल थी, टू टेबल का हमारा बन चुका है। और अगर आप हेडिंग का भी बनाना चाहते हैं तो हेडिंग का भी बना सकते हैं। यहाँ पे एंटर करते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं ये पहले पुरानी वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। फिलहाल तो हमें जो हेडिंग बनानी है, ये हेडिंग फ्रेंड्स एक बात मैं बता देती हूँ, आपको होम में आना है और यहाँ स्टाइल से ही हेडिंग बनाना है। अगर आप स्टाइल से हेडिंग आपने नहीं बनाई है तो आपकी टेबल के जो जो हमारे हेडिंग्स हैं उनकी टेबल नहीं बन पाएगी। तो कर्सर को हमने यहाँ पे रखा है, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया है और यहाँ से हम कोई भी एक फिगर, कोई भी एक जो डिज़ाइन है यहाँ से ले लेंगे। तो एक फॉर्मेट हमने कोई सा भी ले लिया है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारी हेडिंग्स की भी टेबल बन चुकी है। अब हमने ये जो फिगर और टेबल का यूज किया है ये क्यों किया है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कर्सर मैं जहाँ पे ले जा रही हूँ तो कुछ लिख के आ रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अगर आपको फिगर नंबर फाइव में जाना है तो यहाँ पे आपको कंट्रोल दबा के आपको इस लिंक को क्लिक करना है। तो आपने देखा होगा जैसे ही मैंने कंट्रोल दबा के इस लिंक को क्लिक किया तो हमारा जो फिगर फाइव था कर्सर वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच चुका है। और इसी तरह से अगर हमें टेबल टू पे आना है तो यहाँ पे भी कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक और आप देख रहे होंगे टेबल नंबर टू पे हम आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम ये कंटेंट तैयार कर रहे हैं, जो हमने ये फिगर जो डाला है या टेबल नंबर डाले हैं, ये सिर्फ इस डालने का हमारा उद्देश्य यही होता है कि जब हम बहुत सारे पेजेस में काम करते हैं उसमें बहुत सारी फिगर्स हैं, बहुत सारी टेबल्स हैं, हेडिंग है, तो उनका एक कंटेंट तैयार कर लेते हैं ताकि डायरेक्ट हम उस पिक्चर तक या उस टेबल तक जा सकें या उस हेडिंग तक जा सकें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैप्शन ऑप्शन का यूज कैसे किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।